हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण पाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं कृष्ण पाल टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम फोन पे से किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमें किसी, मान के चलिए मेरा स्टेट बैंक में अकाउंट हो, मुझे यूनियन बैंक में पैसा भेजना है, तो वो पैसा हम किस तरीके से भेजेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको फ़ोनपे में डाउनलोड करने की ज़रूरत होगी। क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने में फ़ोनपे सभी के पास होता है। फ़ोनपे से हम किस तरीके से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजेंगे आज वो मैं आपको बताऊंगा। पहले इसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए आपके स्वयं के बैंक अकाउंट में। तो सबसे पहले मैं फ़ोनपे को ओपन कर लेता हूं। देखिए मेरा फ़ोनपे ओपन हो चुका है। उसके बाद यहां आपको कुछ आइकन दिखाई देंगे ट्रांसफ़र मनी करके। इसके नीचे टू मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर का अर्थ होता है कि किसी के फ़ोनपे पर आप बैलेंस नंबर डाल के पैसा भेज सकते हैं। सिर्फ उसका यहाँ नंबर डालना पड़ेगा। टू बैंक UPI ID, इसके अंदर आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ आपको प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरीके से, यहाँ क्लिक कर देना है। आपको कौन से बैंक के अंदर, कौन से बैंक में पैसा भेजना है वो आपको यहाँ बैंक चॉइस कर लेना है। तो इसके लिए मैंने पहले से चॉइस कर रखे हैं कुछ, मान के चलो स्टेट बैंक में भेजना है आपको या किसी और बैंक का मैं बता दे रहा, मान के चलो यूनियन बैंक में भेजना है आपको। तो यहाँ आपको अकाउंट नंबर डालना है, सिंपली मान के चलिए कोई भी अकाउंट नंबर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ नोट रिक्वायर्ड, मतलब IFC कोड आपको नहीं डालना है, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट फॉर दिस बैंक अकाउंट, या ऑटोमेटिकली उस शाखा का कोड आ जाएगा। उसके बाद सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। क्योंकि दोस्तों मैंने गलत डाला है तो ये आगे एक बार और डालने का कह रहा है। देखिए कुछ इस तरीके से आइकन आएगा, कंफर्म, मतलब कि सेम आपको एक बार और बैंक अकाउंट डाल देना है। इंटर अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ आपको अकाउंट होल्डर मतलब कि जिस किसी के बैंक में आप पैसा भेजना चाहते हैं उसका नाम लिख देना है। और निक नेम में आप कुछ भी वगैरह वगैरह डाल के आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आइकन आपको दिखाई दे जाएगा। इसके बाद में यहाँ आपको पैसा भर देना है, मान के चलो 1 रुपये भेजना है किसी को, तो यहाँ क्लिक करके आप कौन से अकाउंट से भेजना चाहते हैं। आप यदि आपके पास मल्टीपल अकाउंट आपके फ़ोनपे में खुले हुए हैं तो आप अकाउंट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। मान के चलिए मैंने सिलेक्ट कर लिया, पे पे क्लिक करेंगे आप। पे पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। देखिए मैं इसके में जो कौन है, एक मेरा फ्रेंड है, इसको 1 रुपये अपन भेज के देखते हैं। प्रोसेसिंग पेमेंट ऑफ 1 रुपीज़, यहाँ कुछ ऐसा आइकन लिखा आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पेमेंट हो रहा है, थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है। यहाँ नीचे लिखा रहा है प्लीज़ डू नॉट प्रेस बैक और क्लोज दी ऐप, हमको ना ही इसको बैक करना है ना ही क्लोज करना है। कुछ इस तरीके से सफलतापूर्वक आप पैसा भेज सकते हैं। यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके 1 सेकंड बाद उस खाते में पैसा पहुँच जाएगा। ना हमें कहीं बैंक भागना है ना कहीं जाना है। दोस्तों आशा है आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमको किसी अदर बैंक में हम पैसा भेज सकते हैं किसी के बिना कोई परेशानी के। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।